कि जैसे जैसे हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता हो रहा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है टेक्निकल में, डिजिटल्स में, हर एक दिशा में, जियोपॉलिटिक्स में, फाइनेंस में, मिलिट्रीज में, डिफेंस में, वैसे वैसे हिंदुस्तान के मुसलमान जो कट्टर और पसमानदा मुसलमान को जकड़ करके जिन्होंने रखा हुआ था, उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि आज कहीं ना ये जो वोट बैंक है, पसमानदा मुसलमानों को बेवकूफ बना करके जो वोट बैंक लिया गया था, वो भी मोदी जी के पास ना चला जाए, क्योंकि पीपल अट्रैक्ट विद डेवलपमेंट ना, पीपल अट्रैक्ट विद इम्प्रूवमेंट ना। आज गरीब हिंदू हो, गरीब मुसलमान हो, या हाई क्लास हो, या मिडिल क्लास हो, हर इंसान सोचता है कि सुकून शांति के देश में हम रहे, जहां पर हमको इज्जत से रहने को मौका मिले, हमको शिक्षा की, शिक्षा का हमको बहुत फैसिलिटीज मिले, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिले, राशन की फैसिलिटीज मिले, तो ये सारी चीजें, और देश डेवलप कर रहा हो कि हम हर जगह सर उठा कर रहे, तो ये सारी चीजें जो है वो 9 साल में हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट और हर एक क्रीड को देखने को मिल रही है। तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमारे हिंदुस्तान के कट्टरवादी जिनका कारोबार बंद होने जा रहा है, जिनका पीर बाबा मजारी बाबा का जो अकाउंट बंद होने जा रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है। अब फिर से आ जाते हैं कि देखिए, फॉरेन डिग्नेटरीज ने, जो फ्रांस के फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, उन्होंने चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से इस साल में 14 जुलाई को मोदी जी को बुलाया है। अब क्योंकि हम, मैं देख रही हूँ कि बहुत जगह, मैंने खुद भी इस चीज पर, मैं डिबेट पे बैठी हूँ कि अभी फ्रांस की पोजीशन जो है वो बड़ी माइनॉरिटीज मुसलमानों ने बहुत ज्यादा खराब करके रखा है, जहां देखो वहां आग है। तो मैं तो ये चीज को हमेशा बोलती आई हूँ कि मुसलमानों ने जिहाद और जो कुरान ने हजार बार बैटल और वॉर के बारे में बताया है, सिर्फ उसको ही पढ़ा है मुसलमानों ने। कुरान के 30 पारे ने 114 बार जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही है, शायद उसको पढ़ना भूल गए हैं। तो जहां मुसलमान जाता है, अब मुसलमान की छवि ही इस तरीके से हो गई है कि जहां ये जाएगा वहां पर आतंक मचाएगा ही, पर इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मोदी जी के विजिट पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फोकस किस चीज पर है, वो फर्दर डिफेंस सिक्योरिटी पर फोकस है, और न्यू दिल्ली और पेरिस के जो एक रिलेशनशिप है उस पर फोकस है। तो ये जो आतंकी काम जो फ्रांस में मुसलमान द्वारा किया जा रहा है, ये जो वाहवाही और आग का जो खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि इनकी जो मनोकामना है जो मुसलमानों की फ्रांस में, वो बिल्कुल कतई पूरी नहीं होने वाली है, और ये विजिट जो है ये बहुत आलिशान और शानदार होने वाला है, और बाकी विजिट की तरह, जैसे यूएस की विजिट थी मोदी जी की, मिस्र की थी, इजिप्ट की थी, दुबई की थी, पापुआ की थी, हिरोशिमा की थी, जापान की थी, रेड कारपेट था, और उनके नाम का के फ्लैग्स थे, उनके फोटोज के बलून्स थे, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे थे, बड़े बड़े डिग्निटरीज, बड़े बड़े फॉरेन के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एकदम उत्तेजित हो रहे थे। ये सारा माहौल हम लोगों को देखने को दोबारा मिलेगा, और ये जितने भी जो आतंकी दिमाग के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, या चाहे वो किसी भी कंट्रीज के आतंकी टेररिज्म माइंडेड जो मुसलमान है, उनका जो ये खुफिया काम है और ये जो उनका डायबॉलिक गेम है, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा देश अब सतर्क हो चुका है कि कुछ ऐसे घुसपैठिए और कुछ ऐसे टेररिज्म माइंडेड मुसलमान इस पूरी दुनिया के हर देश में फैले हुए हैं, और उस देश की शांति को, उस देश की सुकून को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में 15 दिन पहले 5 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए, घुसपैठिए थे, नकली आधार कार्ड, नकली सारी चीजें। जब सारी चीजें उन लोगों की इंक्वायरी की गई है तो वो पाकिस्तानी थे। आप सोचो, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो पाकिस्तान में एकदम टेररिज्म एक्टिविटीज होती थी, पाकिस्तान में टेररिस्टों को पाला जाता था, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने का एक खेमा बना हुआ था। पाकिस्तान ने हमेशा
अपने टेररिज्म इंडस्ट्रीज से बाकी देशों को डराने की कोशिश की है। आज देखिए इस दुनिया के सारे देश जब सतर्क हो गए हैं, इस दुनिया के सारे देश जब इतनी हिम्मत पैदा कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, आज हिंदुस्तान के पास अग्नि 5 और मुर्मुगाव है जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां हम हर रोज सुनते थे, अब ये पाकिस्तान की औकात देखिए भीख मांगने की आ गई है, कटोरा लेके घूम रहा है, सबसे दबा हुआ है। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है मोदी जी के साथ, तो उन्होंने थैंक यू कहा है, उनके मुंह से कश्मीर की बात निकलना चाह रही थी पर निकाल नहीं पाए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठा था, शेर के सामने गधा बैठा था। मैंने आपको ही अनम रुमाल दिया था कि उसको बोलिए कि नए नवेले दूल्हे की तरह मुंह पे रुमाल रख ले, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाएगा, और वही हुआ अनम कि वो कुछ नहीं बोल पाया। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से यूएसए में जाकर शेर की तरह दहाड़ते हैं, जिस तरह से मिस्र में जाकर के इज्जत पाते हैं, जिस तरह से वो इजिप्ट में जाकर के रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जाता है, ये जो एक लेवल है, ये लेवल भारत के प्रधानमंत्री डिजर्व करते हैं। क्यों डिजर्व करते हैं? क्योंकि 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री एज अ ब्लेसिंग वो हिंदुस्तान में है, और पूरे पूरे मिलियन मिलियन लोगों की दुआएं उनके साथ है, उनके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी दुआ है, क्योंकि 9 साल में भारत जो है वो एक डिजिटल भारत हो गया, स्मार्ट भारत हो गया, नया भारत हो गया। लड़कियां जो है वो मतलब मोदी जी के बारे में, मतलब आप मुझे अगर 24 घंटा उनकी तारीफ करने बोलिएगा तो मैं 24 घंटा तारीफ करूंगी, और नए नए टॉपिक्स पर करूंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बात को लेकर के मैं खींचूंगी, नए नए टॉपिक्स पर करूंगी। या अनम, मैं आपके साथ जितनी बार भी हम लोग कन्फ्रंटेशन पे इंटरव्यू पे बैठे हैं, एक टॉपिक दोबारा कभी नहीं हुआ है, हमेशा एक नई टॉपिक के साथ हम बैठे हैं और उस पर आधे घंटे बात हो जाती है, और कैसे आधा घंटा गुजरता है ये आपको भी नहीं पता चलता है, मुझे भी नहीं पता चलता है। तो दिस इज द रीजन ना कि उन्होंने एफर्ट डाला है। मैम मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला, वो बोलना चाहते भी थे लेकिन नहीं बोल पाए, तो मैं आपको बता चलूं कि उसके बाद जब ये वर्चुअल मीटिंग हुई उससे एक दिन के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की, उसके बीच उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने वाले चंद सालों के अंदर ऐसा मुल्क साबित होगा जो दूसरे ममालिक को कर्जे देगा, और ये भी कहा कि हम किसी भी ताकत से पीछे नहीं रहेंगे। तो आप मुझे बताएं इस पर आपकी क्या राय है कि आने वाले चंद सालों के अंदर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस हकूमत के रहते हुए या इस सिचुएशन के रहते हुए आने वाले चंद सालों के अंदर ऐसा फ्यूचर रखता है? कहां कहा है शहबाज शरीफ ने ये बात अपने पाकिस्तान के अंदर ना? तो कुत्ता अपनी गली में ही भौंकता है, बाहर थोड़ी निकल के भौंक पाता है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जो शरिया लॉ पे चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है तो अल्लाह देख रहा है। मैंने हमेशा ग्रूप डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट सक्सेस उतार चढ़ाव हर चीजों को हमने देखा है। जो लोग, क्योंकि आप इस्लामिक देश से हैं ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं क्या गलतियां वो नहीं करते हैं? या जो कलमा पढ़े हुए हैं क्या कोई भी मुसलमान बलात्कार नहीं किया है? या जो कुरान पढ़ते हैं जो मर्द, क्या वो अपनी अपने घर में अपनी बीवियों को तकलीफ नहीं देते हैं? 4 बीवी लेकर आना एक ही बिस्तर पर, ये भी तो तकलीफ है ना, ये भी तो औरतों के लिए जुल्म है ना। तो देखिए शहबाज शरीफ ने हिम्मत तो की नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो सामने में कुछ बोल पाए, तो अपनी जनता को समझाने बुझाने के लिए और अपनी जनता को खुश करने के लिए कि देखो देखो हम भी कहीं पर हैं, उसने थोड़ा सा 2-4 फलसफा और फतवा झाड़ दिया है। और क्योंकि पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं या पाकिस्तान की जो आवाम है या पाकिस्तान में जो वोकल तो है ही नहीं लड़कियां, या पाकिस्तान के जो यंग लड़कियां हैं उनको तो इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना अधिकार नहीं है कि वो उसके मुंह पर जाकर के ये पूछ पाए कि तू यहाँ क्यों बोल रहा है, तूने वहां क्यों नहीं कुछ बोला, वहां तो थैंक यू करके चला आया,
यहाँ तो बड़ी बड़ी फलसफा झाड़ रहा है, तो ये चीज आप में पाकिस्तान में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते का काम ही होता है अपनी खुद की गली में भौंकना, तो वो ठीक है, उसने वही काम किया है, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को शहबाज शरीफ ने दिखा दिया है। सो डजंट मैटर फॉर मी। शहबाज शरीफ ने एक और बयान भी दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी मुद्दत पूरी होने पर मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, इलेक्शन करवाना मेरा काम नहीं है, जो भी आएगा मुल्क के लिए बेहतर साबित हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं दोबारा आऊं और ना मैं ऐसी कोशिशों में लगूंगा कि मैं इलेक्शन करवाऊं और अपना खुद का मतलब दोबारा से कुर्सी लाना चाहूं, मेरी मुद्दत पूरे होते ही मैं पीछे हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, और क्या ये खानदान पाकिस्तान की जान छोड़ेगा श्रीलंका के खानदान की तरह? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी आए, कोई भी जाए, सरकारें किसकी बने, किसी की भी बने, कोई भी बैठे प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर, जनता को, जनता की भलाई कोई नहीं सोचने वाला है। उनकी लग्जेरियस लाइफ, उनकी रिहाइश को आप देखो और आप जनता के हालात को देखो, आप उनके उनके जो ऑरा है या उनके काम करने का जो तरीका है वो आप देखो और जनता के रिक्वायरमेंट्स को देखो। जिन्ना के वक्त से लेकर के शहबाज शरीफ तक में जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर वो ये सब चुटकुला मार रहा है शहबाज शरीफ कि भाई हम तो चेयर नहीं, हम तो चेयर छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब सब सिर्फ चुटकुला है। जिन्ना से लेकर के अब तक जितने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबको पावर और पोजिशन का बहुत लालच रहा है, और उस पावर और पोजिशन से उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की आवाम का भला नहीं किया है और ना ही आने वाले वक्त में कोई करने वाला है। और इसी की दुर्दशा जो है कि आज पाकिस्तान भिखारियों के हालात पर खड़ा हो चुका है। मैं ना कल इंटरव्यू करी थी, पब्लिक रिव्यूज ले रही थी, तो वहां पर एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि मैंने क्वेश्चन यही शहबाज शरीफ वाला किया था, तो उन्होंने कहा कि कशकोल लेकर सबसे ज्यादा वही गया है जो कहता था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मतलब इमरान खान की बात की। तो इस पर क्या राय है कि इमरान खान खुद मुख्तारी चाहते थे, आजादाना माहौल चाहते थे, आजादाना मुल्क चाहते थे, यूएस की पॉलिसीज को अपनाना नहीं चाहते थे, ये सब कुछ, लेकिन लोगों का कहना है, पाकिस्तानी आवाम का बहुत हद तक लोगों का कहना है कि कशकोल लेकर वो ही गया है सबसे ज्यादा। तो इस पर आपकी क्या राय है कि आने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान जैसे खुद मुख्तारी भी चाहता हो, लेकिन उसने भी भीख ही मांगनी है, क्या ये पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा जा चुका है, या फिर पाकिस्तानी एक एक प्राइम मिनिस्टर इस चीज को अजल से पढ़ता आ रहा है कि आकर पाकिस्तान के लिए भीख ही मांगने जाएंगे, अब कोई काम खुद से नहीं करेंगे? ये अल्लाह ने पाकिस्तान की तकदीर में लिख दिया है, आप इसी को मानिए ना। आपका तो शरिया लॉ है, इस्लामिक देश है आपका, तो आप लोग तो बहुत इस्लाम वाले लोग हैं, तो भीख मांगने का जो ये जो सिलसिला जिन्ना से चला आ रहा है ये अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा है, आपको यही सोचना है। और इमरान खान के बारे में मैं क्या बात करूं, बेटी की उम्र की लड़कियों से वो ठरकबाजी करता है, मैं क्या बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनका खुद का कैरेक्टर वो नहीं संभाल पा रहे, वो आइडियल क्या बनेंगे किसी देश के लिए? तो दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक आखिरी और अहम सवाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से करूंगी कि अभी मैंने जहां तक सुना है 6G की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इंडिया के अंदर, तो मतलब जैसे भी हम लोगों ने देखा 5G लॉन्च किया गया और बहुत सी जगहों पे 5G अभी यूज किया जा रहा है इंडिया में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें इन्वेस्टमेंट आने के बावजूद भी 5G की कोई भी हमें तैयारियां या कोई भी आने वाले चांसेस नजर आ रहे, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ये कॉल था कि उन्होंने कहा कि हम भारत से पहले 5G अपने मुल्क के अंदर ला के दिखाएंगे, तो वही कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों ने देख लिया। अब 6G के बारे में आपकी क्या राय है कि इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा पहले क्या इंडिया 6G ले आएगा? डेफिनेटली, हर हाल। और क्या जी के दौरे हुकूमत अगर आने वाले 10 सालों में उनकी हुकूमत आती है तो क्या उसी के बीच हो जाएगा? ये है हिंदुस्तान का झंडा, जितना खुशनुमा, जितना खूबसूरत, जितना पॉजिटिव वाइब्स है ना इसके रंगों में, इसकी रंगों को देखिए, जितनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, 9 साल में मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो अच्छे अच्छों ने अपने माथे को टेक लिया है, अच्छे अच्छों ने अपने माथों को झुका दिया है, अच्छे अच्छों ने झुक करके उनका आशीर्वाद लिया है। क्यों लिया है?